दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और आज हम लोग देखेंगे आसूस का ये गेमिंग सीरीज़ का एक बोर्ड आया हुआ है मेरे पास जो डेड कंडीशन में है और ये आसूस का टफ 506 करके मॉडल है ये। तो आजकल ट्रेडिशन में हम लोग देखते हैं कि आसूस के बोर्ड MSI के गेमिंग सीरीज़ वाले बोर्ड और नाइट्रो सीरीज़ एसर के प्रीडेटर सीरीज़ वगैरह कुछ ज़्यादा आने लगे हैं। तो पहले होता था कि भैया जो एप्पल लेना चाहते हैं वो एप्पल लेते हैं, नहीं तो फिर हायर मॉडल में आपको गेमिंग सीरीज़ ही अच्छा होता है। तो नो डाउट कि अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि खर्चा ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा महंगा लैपटॉप लिया तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो ये भी ये AMD का बोर्ड है और आपको याद होगा मेरा इसी मॉडल में जो NJF का बोर्ड था, इसमें मैंने आपको जो ग्राफिक मक्सिंग IC होती है उसको बाईपास करने के लिए बताया था कि ये बाईपास हो सकता है। यहाँ पर इसमें एक IC लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये मक्सिंग IC है जो कि सिंपली ग्राफिक को बाईपास करने के लिए होता है, तो भी चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये दूसरा बोर्ड दूसरी बार आया मेरे पास और इसमें सिंपली हम जब नोटिस करेंगे तो इस बोर्ड में शॉर्टिंग आ रही है और इतना क्लीन और साफ़ सुथरा बोर्ड है, लगता है कि अभी मैन्युफैक्चर होकर के आया ही है। अनलॉक कर देता हूँ पहले, मेरा ये लॉक है, ठीक है। तो वैल्यू के लिए आपको बता दूं कि जो लोग बहुत सारे लोग रिपेयर कर रहे हैं यूपी में, बिहार में, फिर दिल्ली में भी है, बहुत सारे एरिया में नेहरू प्लेस के अलावा, मैंने अक्सर सुना है कि लोग कह देते हैं कि ग्राफिक शॉर्ट है। तो ये देखिए 0.5 ये सही वैल्यू होती है इसकी ग्राफिक की। तो ये ज़ीरो से नीचे भी वैल्यू आपको आ सकती है ग्राफिक में, तो इसलिए ग्राफिक को जब भी आप लोग जो लोग रिपेयर कर रहे हैं अगर ऐसा पाइए कि ये 0 ओम आ रही है तो आप इसको ख़राब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई करंट यहाँ पर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी वैल्यू को कम कर दिया गया है। कोर की वैल्यू 2 ओम सही होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि AMD में 2 ओम कोर की सही है। अब बाकी जो बचा जैसे 3-5 का एरिया है, तो 3 तो हमारा ठीक दिखा रहा है और काफ़ी परेशान करने वाला बोर्ड था ये, बट ये होने को है ऐसा लग रहा है, ये अंदर से आवाज़ आ रही है। ये ओपन है और ये 5 वोल्ट का एरिया है जो शॉर्ट है। तो इसका बोर्ड व्यू है, बोर्ड व्यू से देख करके आप, और डायग्राम भी है इसका, देख करके आप आराम से पता कर सकते हैं कि ये एरिया कहाँ कहाँ जा रहा है। बट मुसीबत इसमें ये है कि जब हम इंजेक्ट करते हैं 1 या 2 वोल्ट तो पूरे बोर्ड में मैंने हाथ रखा, कहीं पर भी कुछ गर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर जैसे ही 2 वोल्टेज मैं इसके अंदर इंजेक्ट करता हूँ तो मुझे ये पूरे बोर्ड में कुछ नज़र नहीं आया कि कुछ गर्म हो रहा है, तब मुझे 10 एम्पेयर का सहारा लेना पड़ा। 10 एम्पेयर वाला चूँकि ऑफिस में रखा हुआ है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लाया ये बोर्ड, और अभी हुआ भी नहीं है ये चूँकि शॉर्ट आ ही रही है। तो थोड़ा सा मैं क्लोज़ कर देता हूँ इसको और देखते हैं कि कहाँ पर से प्रॉब्लम आती है। यूजुअली जब भी आपके पास आए इस तरह का बोर्ड तो आप इसको आराम से रिपेयर कर पाएँ। तो ये देखिए ये वाला एरिया, आज मैंने बहुत मेहनत से अपने कैमरे को सीधा कर लिया है, अब जो भी नाम है उसको आप एज इट इज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा, ये उल्टा दिखाता था मिरर व्यू में, तो अब ये साफ साफ दिखाएगा। मैंने कुछ वर्कआउट किया इस पर, तो यहाँ पर मैंने जंपर जोड़ रखा है और कुछ पॉइंट है जैसे कैमरे का पॉइंट है, ये LVDS का एरिया है, 5 वोल्ट जितने एरिया पर जा रही है वो सारा एरिया मुझे शॉर्ट दिखा रहा है। जैसे आपको देख लीजिए ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये LVDS लगती है यहाँ पर, ठीक है। EDP का एरिया है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है EDP का कनेक्टर है। तो EDP के कनेक्टर के पास आपको जो कैमरे की IC है और जो LVDS की IC है, तो ये वाली कैमरे की IC है और ये वाली EDP की IC है,
मतलब जो एलसीडी वीडीडी बनाती है, तो इस एरिया पर भी आपको ज़ीरो मारा है। तो कहीं पर लग रहा था कि कुछ तो गर्म हो, तो मैं बताऊं कि ये ख़राब है। और फिर मैंने यहाँ पर हाथ पैर मारा कि भैया शायद कुछ हो, तो यहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट शॉर्ट बता रहा है। तो ये सब वो पॉइंट है, जैसे ये तो बीच वाला पिन ग्राउंड है और ये वाला 5 वोल्ट है, चूँकि 5 वोल्ट ग्राउंड हुआ हुआ है तो ये सारे एरिया हमें शॉर्ट बताएंगे। और समटाइम क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ फिज़िकल दिख जाती है कि भैया यहाँ पर ये पॉइंट ख़राब लग रहा है, ये मतलब सड़ा हुआ लग रहा है या कुछ ना कुछ पॉइंट्स। तो ये एक आईटी की मुझे कोई आईसी मिली है, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर भी टूटा हुआ है। ये सब कोरियर आने में होता है, तो जब भी आप लोग कोरियर भेज रहे मेरे पास तो कम से कम ध्यान रहे कि थोड़ा अच्छा पैकिंग करके, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला काम मत करिए, ठीक है। तो ये कैपेसिटर मुझे 10 एम्पेयर के पावर सप्लाई से जब मैंने इसमें 4 या 5 वोल्ट डाल दिया तो ये एकदम तड़तड़ा के गर्म होने लगा। तो अभी इस एरिया पर बीप आ रही है, इसको हम लोग अभी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। और एक जो पर्पस है, मैंने अभी MSI का एक बोर्ड ठीक किया है, और मैं थोड़ा सा ग्लव्स खोल लेता हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर पाऊँ। शायद आपको ऐसे तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से टेलीग्राम खोल लूँ तो शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। अभी एक गेमिंग सीरीज़ मैंने रिपेयर किया है और उसका पार्ट नंबर है कहाँ चला गया, MS-16W11। ये बोर्ड मैंने अभी रिपेयर किया है। रुकिए एक सेकंड होल्ड करिए, मैं निकाले लेता हूँ टेलीग्राम ताकि आपके साथ शेयर कर पाऊँ वो चीज़ जो अभी लेटेस्ट जितना भी गेमिंग सीरीज़ आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरा काम है ये कि आपको चेंजेस के बारे में बताऊँ। तो ये जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये सिर्फ स्नैप लिया था, मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कस्टमर की हालत ख़राब थी। और वो हालत इसलिए ख़राब थी क्योंकि कस्टमर के पास ये बोर्ड आया था स्क्रीन चेंज होने के लिए, स्क्रीन फूटी हुई थी स्क्रीन चेंज होने के लिए। तो गलती से उसने कोई FHD की जगह पर उसने मतलब 40 पिन वाली FHD थी, इसमें 30 पिन वाली भी FHD आती है स्क्रीन, तो कोई और नॉर्मल स्क्रीन लगा दिया होगा। तो नतीजा क्या निकला, ये तो मेरा सेटअप है घर का जो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बोर्ड है MS-16W11, ठीक है। IO भी फट गई थी पूरी, अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भैया, पीछे चलेगा क्या, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये IO फटी हुई है पूरी तरह से, अरे कहाँ चला गया, ये IO फटी हुई है। और ये PCH का हालत देखिए, PCH का हालत ऐसा हो गया है कि जैसे शीशा एकदम फट करके उड़ गया हो कहीं, ठीक है। तो मैंने पहले भी सिर्फ पोस्ट वगैरह डाला था, तो इस बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं कि जब भी आपके पास, और याद जान लीजिए कि मैंने इस बोर्ड को ठीक कर लिया, उसके बाद भी मेरे पास FHD स्क्रीन पड़ी हुई है, QHD भी पड़ी हुई है, नॉर्मल भी है, IPS भी, हर तरह की स्क्रीन है। मैं लगा ही नहीं रहा डर से कि मैं इसमें कौन स्क्रीन लगती है। अब मैं नेट पर जब सर्च मार रहा हूँ कि इस मॉडल में कौन सी स्क्रीन लगती है तो मुझे कन्फर्म नहीं हो पा रहा। तो मैंने बोला कस्टमर को कि भैया जो स्क्रीन इसके अंदर ओरिजिनल फूटी हुई लगी हुई है उसका आप मुझे पार्ट नंबर भेजिए। उसे सर्च करके मैंने पता किया कि इसके अंदर FHD लगती है, तो फिर आप लगा के चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी और उपाय नहीं है इसके अंदर। और दूसरा ये एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक LVDS की IC होती है, ठीक है। जैसा बक रेगुलेटर के अंदर आपने देखा होगा, बक रेगुलेटर के अंदर एक छोटी सी IC होती है, 3-5 वाली, कहाँ गया, यहाँ पर है, फेंका हुआ होता था यहाँ पर। तो बक रेगुलेटर के अंदर एक जो 4-4-8 मेरे ख्याल से 8 या 10 पिन की जो IC होती है, वो छोटी सी IC यहाँ पर लगी हुई है। ये टेक्नोलॉजी अभी चेंज होकर के आपको MSI में ही सिर्फ देखने को मिलेगा कि LVDS पर जो सप्लाई होती है वो PWM के थ्रू बनती है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन गेम खेलने के लिए एकदम मस्त है, एकदम चलेगा, ऐसा कि लगेगा कि गेम की कार जो है बाहर निकल जाएगी, इस तरह का वो स्क्रीन दिखाता है। और 160 हर्ट्स होता है, 120 हर्ट्स होता है, हर तरह की स्क्रीन होती है।
वो 11,000 की क्यू एच डी अभी हमने लगवाई है किसी स्क्रीन में, किसी भाई साहब को अभी आए थे वो गुजरात से, तो मैंने बताया कि भैया 11,000 रुपये की स्क्रीन है 160 हर्ट्स वाली, और 120 हर्ट्स वाली थोड़ा सस्ती होती है। तो बहुत सारा जो है आपको भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी इस मामले में कि कोई भी 40 पिन दे करके स्क्रीन आप आज के दिन में नहीं लगा सकते, नहीं तो नतीजा आपके सामने है। ठीक है, तो फिर मैंने इसको ठीक किया और पीसीएच चेंज किया, आईओ चेंज किया, और एलवीडीएस एरिया पर मैंने काम किया, और भी कुछ शॉर्ट सर्किट था, 3-5 की आईसी भी ख़राब थी, तो ये बोर्ड मैंने ओके कर करके कस्टमर को भेजा। और उसकी जान इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि कस्टमर ने डिस्प्ले दिखा के दिया था, सिर्फ स्क्रीन फूटी हुई थी। तो अब से ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी बोर्ड में कोई सा भी स्क्रीन नहीं लगा सकते हैं, ख़ास तौर पर गेमिंग सीरीज़। अगर कस्टमर केबल भी भेज देते हैं तो भी मैं स्क्रीन के बारे में पहले पता कर लेता हूँ, उसके बाद ही लगाता हूँ। ये गलतियाँ शुरू में हो चुकी है हम लोगों से भी। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो मेरा देख लिया तो आपसे ये गलती ना करेंगे। ठीक है, और अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास भेजिए आप। पीसीएस चेंज करूँगा, आईओ चेंज करूँगा, वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का भी एक्सपीरियंस आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने बक रेगुलेटर लगा दिया और कोई उपाय नहीं था। ठीक है, और एक स्टूडेंट भी एक कॉलेज से आया था, बोला भैया मैं स्क्रीन अपने से कॉल कॉल कर रहा था और उड़ गया, तो उसका बच गया करके पीसीएच नहीं गया था, उसका सिर्फ एलवीडीएस की आईसी उड़ जाती है। ये आईसी अभी नहीं है, मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बचता है कि यहाँ पर एक बक रेगुलेटर लगाइए और आप चला लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। अगर इस स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो यहाँ पर से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली एक मुझे लग रहा है कि इसी दोनों में से कोई एक गर्म हो रहा था, जिसको मैं अभी निकालने वाला हूँ, पता नहीं कौन सा है, छोटा है कि बड़ा। तो 5 का एरिया शॉर्ट है, 5 और गेमिंग अभी काफ़ी तादाद में मेरे पास आ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि रिपेयर होके जा रहे हैं। एक जो रेड कलर वाला आता है, क्या होता है वो, टफ होता है कि रोग होता है, पता नहीं, रोग होता है शायद, वो एक काफ़ी अभी मैंने रिपेयर करके भेजा है उसमें। तो सबसे मुसीबत की बात यह है कि उसमें जब तक 4 आयो 5 आयो नहीं लगा दूँ तो वो बोर्ड मानती नहीं है। उसमें जो वीजी वाली आईसी लगी हुई है, बहुत ही ख़तरनाक, यही था। ठीक है, यही था भाई साहब, जो अरे है किस चीज़ की आईसी, ये भी एक बार देखना चाह रहा हूँ मैं, एक बार निकाल लेता हूँ, सर्च मेरा आ ही नहीं रहा। हाँ, चला गया, ये तो नाइट्रो खुला हुआ है, क्या खुला हुआ है ये, एसर नाइट्रो। ठीक है, आइए सर्च करते हैं, देख लेते हो कोई काम की ऐसी होगी तो वहाँ लगाना ही पड़ेगा सब कुछ। देख, कुछ काम की नहीं होगी, लैन तैन इस तरह की, साउंड वगैरह, साउंड भी ज़रूरी है। लैन लैन बकवास है, लैन का तो मेरे पास काम ही नहीं आता है। आज मैंने 7 साल के बाद एक यूएसबी चेंज किया, बड़ा अच्छा लगा। क्या हुआ कि एक बोर्ड मेरे पास आया मेरे कस्टमर के पास से, वो यूएसबी वगैरह का तो काम नहीं आता मेरे पास, कि यूएसबी मैंने कभी चेंज शायद 6-7 साल पहले किया होगा। तो कस्टमर क्या कर रहे थे कि जो यूएसबी निकालने के बाद उसके अंदर सोल्डर रह जाता है, सोल्डर को वो पटक पटक के निकाल रहे थे। और बोर्ड था LAC701, 4th जनरेशन, जानते कितना हरामखोर बोर्ड होता है। नो डिस्प्ले हो गया। अब हमने क्या किया कि भैया बहुत लड़ रहा हूँ, कभी PLT रीसेट बन रही है, कभी नहीं बन रही, तो पटक पटक के कहीं पर से ड्राई हो गई होगी उसकी, तो बीजे मशीन पर चढ़ा दिया उसको, 280 डिग्री हीट मारा, बोला इस पार होगा या उस पार होगा, आना होगा तो आएगा, नहीं तो मरेगा ये। अब उसकी भी जान अटकी हुई है क्योंकि कस्टमर लेके आया कि यूएसबी नहीं चल रहा है, तो यूएसबी नहीं चलने वाले में डेट कैसे दे सकते हैं आप उसको। तो खैर कि वो हो गया, हीट मारने से हो गया। अब जब हो गया तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया हो गया, यूएसबी लगा रहे, बोले नहीं भैया आप सब कुछ करके दो मुझे। तो आज मैंने 6-7 साल के बाद यूएसबी लगाया। मेरा जो ऑफिस में ये एम्प्लॉय है वो जो है निकाला इसको यूएसबी को बीजी मशीन से, किसी स्क्रैप बोर्ड से, और उसके बाद फिर वो बोर्ड हुआ। ऐसा ऐसा काम आता है, 0NJFMB, ज़्यादा टेंशन लेके काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो ऐसे हमारी लाइफ में पनौती लगी पड़ी है
तो अगर सोच रहे कि बहुत टेंशन लेके हम ठीक कर लेंगे बोर्ड, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आप टेंशन कब लेना है? सीखने में, सीखने में ज़रूर टेंशन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अभी यकीन मानिए, मैं कुछ हेक्सा सीख रहा था, हेक्सा से एडिटिंग और ये वो बहुत सारा चीज़ें। अभी मैं भी सीखना चाह रहा था, तो भैया बोला कि ज़रा सीखते हैं और एडवांस लेवल पर। तो पूरा बाइनरी कोडिंग वगैरह वगैरह सीख रहा था मैं, तो हालत ख़राब रहती है, मतलब नींद आती है, लगता है क्या है यार क्या सीख रहे हैं। पर लेकिन जब सीख लेते हैं, उसका कुछ आउटपुट मिलता है हमें, नतीजा मिलता है, तो फिर लगता है कि भैया हाँ नहीं, पैसा वसूल है जो मेहनत किया हमने। तो अगर आप रिपेयरिंग सीख करके अगर उससे आप मान लीजिए एक घंटे में 4-5 बोर्ड कर देते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ वर्थ है सीखने का। अदरवाइज तो प्रॉब्लम का तो कोई एंड नहीं है, कि प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है, कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसका बैक कहाँ गया भैया? तो इस तरह का भी बोर्ड व्यू आने लगा है, जैसा देख रहे हैं आप पीडीएफ व्यू में। अच्छा है ये भी, कोई टेंशन नहीं देता है। ये आईसी यहाँ पर है साउंड के पास, यहाँ पर साउंड होनी चाहिए, ये साउंड है। और ये यहाँ पर से मेरा ये कैपेसिटर निकला है बड़ा वाला, तो ये SU, ऐसे नहीं समझ में आता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसका भी एक उपाय है, इसको रखिए यहाँ पर, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पेस्ट करिए। ठीक है, SU 10 था। आप देखिए कितना हराम खोरी है यहाँ पर, आपको समझ आ रहा है कि क्या था SU? और के अंदर 5 चीज़ लिखा हुआ, ग्राउंड भी है, 29 भी है, 20 भी है, 50 भी है, और भी पूरा जो है कथा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस यहाँ पर कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट करिए और स्कीमेटिक में जाके ढूंढिए कि ये क्या है। क्या है भैया? हाँ, MCUSDA मक्स, ये भी तो मक्सिंग आईसी है भैया, कैपेसिटर जरूरी है, तब यहाँ पर लगा देते हैं। इस वाली मक्सिंग आईसी को तो मैंने नहीं किया है, और मैंने जो किया है इसमें, और उसका नाम बड़ा खतरनाक सा है, मैं भूल रहा हूँ, आज मैं याद करना चाह रहा हूँ कि ये आईसी कौन सी होती है। एक बार मैं आपको भी दिखा दूँ, कुछ नहीं करना होता है, कभी आए अगर आपके पास। क्या है, कॉपी हुआ क्या? कॉपी टू क्लिपबोर्ड पेस्ट, PU 4700, 7400। OVR, बड़ा अच्छा सा नाम था, OVR-M Generation 2। ठीक है, तो OVR की रेगुलेटर है, और ये जो है एक टाइप ऑफ मक्सिंग आईसी है, यानी हाई वोल्टेज को सिग्नल के फॉर्म में ये कन्वर्ट करती है, ये आईसी OVM। इसके बारे में मैंने पढ़ा जब पहली बार देखा, जब मैंने ये बोर्ड में, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या। तो पहले कुछ समझ में आएगा नहीं तो करेंगे क्या? ठीक है, तो फिर इसको आप बाईपास कर सकते हैं, या आप करवा सकते हैं मुझसे। ठीक है, और वो वाली भी एक बाईपास की आईसी है। अब आते हैं हम लोग बैक टू पवेलियन। शॉर्टिंग हट गई सारी, एक ही तो आ रही थी, बट सारे एरिया पर था वो, जहाँ जहाँ 5 वोल्ट था, मैंने जितना एरिया दिखाया आपको शॉर्ट, वो सारा एरिया शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट सिर्फ ये एरिया था जिसका असर वहाँ पड़ रहा था। तो अब ओपन आ रही है वैल्यू, तो जाहिर सी बात है ऑन नहीं हो रहा था। और इस बंदे ने भी सिर्फ पावर डाला है, आप पावर देखिए किधर डाला है, ग्राउंड पर। एक पता नहीं, ये भी हो सकता है, कुछ लोग DC जैक बना के रखते हैं, एक पावर पर और एक ग्राउंड पर लगा करके। तो यहाँ पर फ्यूज़ दिया हुआ है, सबसे अच्छा है। एक और बात, देखिए मेरा वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं, मुझे पता है ये बात, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर रिपेयर कर रहे हैं तो गलती ना करें। गलती क्या हो रही है, अभी मेरे पास एसर का कोई SoC स्ट्रक्चर में गेमिंग लैपटॉप आया था, उसमें जो है जो सेंसिंग रजिस्टर होती है ये वाली, यहाँ पावर डाल दिया। अगर शॉर्ट सर्किट हो बोर्ड में तो शॉर्ट सर्किट निकालिए पहले, उसके बाद पावर डालिए। यहाँ से आप सोच रहे हैं कि 20 वोल्ट डाल देंगे तो मेरा काम हो सकता है, या देखते हैं बोर्ड ऑन होता है कि नहीं, तो वो जो है आपके बोर्ड की वाट लगा देगा। इसलिए कि अगर एक आईसी है, अगर एक आईसी लगी आपके बोर्ड में, उसके पास हाई ड्राइव लो ड्राइव है, या इंटरनली हाई ड्राइव लो ड्राइव है, और हाई ड्राइव शॉर्ट करी है, और वो सप्लाई 1 वोल्ट है और वो CPU पर जा रही है, और हाई ड्राइव शॉर्ट कर गई है, तो 20 वोल्ट आपने जो यहाँ से डाला, तो 20 वोल्ट हाई ड्रेन से होता हुआ सोर्स की तरफ से निकलता हुआ कॉइल पर आ जाएगा 20 वोल्ट, और वो CPU में घुस जाएगा।
ठीक है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सीपीयू शॉर्ट हो जाता है। तो वो कहीं वज़ीरपुर में किसी ने देखा था, भाई साहब ने, तो देखा मैंने वहाँ पर जंपर लगा हुआ है, वहाँ से इंजेक्ट किया वोल्ट, 1.8 वोल्ट सिधार गई सीपीयू से, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 11 जनरेशन 12 जनरेशन का बोर्ड था वो, तो हम वहीं तक कर पाएंगे जहाँ तक सामान अवेलेबल होता है या जहाँ तक हमें समझ आता है। पावर लगाया, 20 वोल्ट हमने इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अब इसका ऑन ऑफ कहाँ होता है। तो देखिए, मैंने आपको दो पॉइंट बताया आज खास जो है, एक तो गलती से भी ये जो काम की बात थी वो यही थी, ये सब तो बोर्ड तो आप आराम से बच्चों की तरह रिपेयर करते होंगे, मुझे भी पता है ये बात, आप लोग का कोई लिमिटेशन नहीं है भैया रिपेयरिंग में, कोई नहीं कह सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ या बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका हूँ, अभी सीखने का उम्र है, सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। तो दो बातें बताई है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं बता थोड़ी रहा हूँ आपको भैया, जो मैंने झेला वो आप ना झेले। हमने झेला क्या कि नॉर्मल स्क्रीन नहीं लगाते हैं गेमिंग सीरीज में, गलती से भी देखते हैं ऑन ऑफ सही है क्या, मतलब ये कीबोर्ड से होगा, यहाँ से तो नहीं है, यहाँ से है, यहाँ से भी नहीं है, कैसे टाइप करें, क्या टाइप करें, एक यहाँ पर दिख रहा कुछ, यहाँ से भी नहीं है, तो है कहाँ से, कीबोर्ड लाइट है ये लिखा हुआ है, नहीं ऑन होगा क्या, हाँ हुआ, यस। तो अभी रैम नहीं लगा हुआ है, लगाएं क्या, और हीटसिंक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, आप भी समझ गए होंगे, डिस्प्ले आ चुका है, बट चलिए एक बार जब इतना मेहनत कर ही लिया हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है कि भैया अब तो गांधीगिरी की बारी है। तो और सुनाइए आप लोग, कैसा काम चल रहा है आजकल, तो इंपोर्ट वाला लैपटॉप भी पता नहीं महंगा हो गया इतना कि, लेकिन अच्छा है, महंगा और होना चाहिए उसे, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो ये लोग एकदम आफत मचाया हुआ था। 13-14 हज़ार रुपये का हम खर्चा बताएंगे तो वो लैपटॉप ही खरीद लेगा, यानी बोर्ड का खर्चा बताइए तो बोलेगा भैया इतने में तो लैपटॉप मिल रहा है, तो ना बोर्ड बेच रहा था कोई, बोर्ड बेचने वाले की भी हालत टाइट थी, रिपेयरिंग की भी हालत टाइट थी, इसलिए कि आप अगर सीपीयू का मान लीजिए जो सीपीयू चेंज करते हैं, बहुत सारे हैं हमारे मित्र जो सीपीयू चेंज करते हैं, जिसके पास है, मेरे पास नहीं है भाई, मैं नहीं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो बहुत ही स्कार्सिटी है, मैंने तो सारा गेमिंग पर लगा दिया है पैसा, सारे मैंने आईसी मंगवा रखी है इसकी, जितने भी गेमिंग सीरीज के एचएम हैं उसके आयो है, आप यकीन मानिए आप बर्बाद हो जाइएगा अगर रेड वाला लैपटॉप आया और आयो ख़राब निकली, तो आप मान के चलिए कि आप चार लगाएंगे तब चलेगा भाई, मेरा अभी रिसेंटली 5-6 बोर्ड में झेला हुआ ये बात, तो अब 5-6 आयो का मतलब हुआ कि 1400-1300 रुपए की एक आयो, ठीक है, तो अब सस्ता नहीं रहा रिपेयरिंग कुछ मामलों में, तो अभी अगर इंपोर्ट वाले लैपटॉप होते हैं तो कस्टमर तो आपको गाली देके चले जाते हैं, अबे हरामखोर इतना पैसा कैसे ले रहा है मुझसे, ये देखिए ये 9052 है, पूछिएगा कभी किसी से जो आपके पास या जहाँ से भी आप सामान लेते हैं, हमसे लेते हैं तो ठीक है आपको पता ही होगा, 1100-1200 रुपये की ये आयो है 9052। अब ये HP का बोर्ड है, देखिए बोर्ड ये तो देखा ही होगा, बोर्ड है ना, HP का बोर्ड है, अब ये बोर्ड आप रिपेयर करने बैठेंगे, अब मान लीजिए फर्ज करिए कि आयो ख़राब हुई, तो मैंने यकीन मानिए मैंने बहुत सारा बोर्ड ठीक किया है घाटे में, 3 बार आयो लगाई तब जाके चला, एक बार लगाई तो प्रोग्राम ही नहीं हो रही है, दूसरी लगाई प्रोग्राम ही नहीं हो रही है, तीसरी लगाई तो प्रोग्राम हुई तो चलिए ऑन हुआ डिस्प्ले आया, अब 3 आयो लगाई है तो एकदम मिनिमम एवरेज रेट भी ले लीजिए तो 1100-1200 रुपये की होगी, 1100 रुपये की आईसी आप 3300 रुपये की आईसी लगा करके, मैंने कस्टमर को यकीन मानिए 2500 रुपये बताया, कैसे कर पाएंगे रिपेयरिंग सारे का, इस तरह के अगर सारे बोर्ड आने लगे तो, अगर आपने मान लीजिए पहले डायग्नोस भी कर लिया कस्टमर के सामने बैठे बैठे कि हाँ आयो शॉर्ट है, तो आप आयो का दाम बताएंगे, कितना बताएंगे बता दीजिए मुझे, कितना बताएंगे लिखिए कमेंट में, कितना बताएंगे कितना बताते हैं आप, देखिए जो मार्जिन लेने वाले हैं, जो बीच वाले जो होते हैं, जो खोल के भेजते हैं आपके पास लैपटॉप रिपेयरिंग होने के लिए,
वो तो ठीक ठाक पैसा रख लेते हैं, मरते हैं हम लोग रिपेयर करने वाले, क्योंकि हम ज़्यादा बता भी नहीं सकते हैं क्योंकि रेट ओपन है कि आयो इतने की है, लेकिन इतने की है एक आयो। क्या वो एक आयो में चल जाएगी, कंफर्म है? अगर चल जाएगी तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, तब तो बहुत आराम से रिपेयर हो सकता है 1800 से 2000 तक में भी, ठीक है। लेकिन जो दो से ज़्यादा लग गई या एक लग गई, दो लग गई, तो फिर क्या करिएगा? तो मरेगा, मरेंगे हम लोग बस, और कुछ नहीं है। तो रेट बताइए अपने हिसाब से। अब सिर्फ देखना ये है कि बस ये बार दो दो बार ये बत्ती ब्लिंक कर जाए। दिख रहा है अभी ऑफ हुआ है, फिर ऑन हुआ, ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, ठीक है। आगे डिस्प्ले तो अच्छा है, नॉर्मल केस था ये शॉर्टिंग का, बट एक चीज़ एबनॉर्मल था कि 5 एम्पेयर वाला तो घर के पागल हो रहा था, बार बार सीसी पर पहुंच जा रहा था, चूंकि एकदम 0 ओम की जब शॉर्टिंग होती है, मुझे तो फिर एक बार ऐसा शक हुआ कि किसी ने अंडू करके भेजा मुझे, क्योंकि वो जम्पर जब मार देते हैं तो कुछ गर्म ही नहीं होता है, तार ही उल्टा जिस जिस चीज़ को रखा आपने वो चिमटी गर्म होने लगेगी, या आपका वायर अगर लगाया तो वायर गर्म होने लगेगा, ये होता है। तो मुझे भी ऐसा लगा एक एक बार कि शायद इसके अंदर आपका ये खराब, मतलब किसी ने उसको जंपर मार रखा है, बट नहीं, नॉर्मल शॉर्टिंग थी, बट 0 ओम से थी, इसलिए काफ़ी परेशान कर रहा था ये। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये केस स्टडी भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपका कमेंट देख करके बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मेरी भी कोशिश ये रहती है कि कैसा भी हालात हो, कि कैस जो भी मैं जानता हूँ या जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस हो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ, और अगर आप हमारे ट्रेनिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिलदार सर का नंबर और मेरा नंबर आपको दिख रहा है, तो व्हाट्सएप से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।